जय हिंद बंदे मातरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो भाइयों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहु मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग को, अभी कुछ यूट्यूब चैनल है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं कि वो क्वेश्चन डालते हैं और क्वेश्चन डाल के बोल रहे हैं हमारी अकाउंट को प्लीज़ पेटीएम कीजिए, फ़ोनपे में कुछ पैसा भेजिए। अरे यार, क्वेश्चन देने के लिए पेटीएम और ये चीज़ देने का क्या ज़रूरत है बताओ दोस्तों। इसका वो एक बिजनेस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस और एक धंधा चला रहे हैं दोस्तों। इस चीज़ में बिल्कुल मत आइए, किसी को भी पैसा मत भेजिए। मुझे कई भाइयों ने फ़ोन करके बताए थे, सर हम आपको पेटीएम में कुछ पैसा भेजेंगे, हमको क्वेश्चन पेपर दीजिए ट्रेड का, प्रीवियस ईयर का, इस चीज़ का। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ भाई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, उतना बहुत काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों मैं ये जो पैसा के लिए मैं कुछ ये चीज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो फौजी का बंदा होता है वो बिल्कुल इस चीज़ को मतलब अवॉइड करता है भाई, जो फौजी बनना चाहता है उसमें हेल्प करना है, चाहे जितना कोशिश हो। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आपका कुछ भी खर्चा ना हो और आपका जैसे सक्सेसफुल हो जाओ, तो वो मैं चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन लोगों का की बातों में मत आना है भाई, कोई मांग रहे पैसा दो ये दो, वो आपको पैसा दे के ये क्वेश्चन दूंगा वो दूंगा, बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बाकी कोई नहीं दे सकता सिवाय डिपार्टमेंट का बंदा के अलावा, वो फिर उसको मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ढूंढ के लाना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं। क्योंकि आप लोग को कई बार बोल चुका हूँ, जिस टाइम रिटर्न पेपर होता है सीआरपीएफ में, रिटर्न पेपर के साथ क्वेश्चन पेपर भी जमा हो जाता है, ले लेते हैं एग्जामिनर। तो ये बोलना चाहता हूँ, ये तो डिपार्टमेंट की बंदा के अलावा और कोई भी दे नहीं सकता, मैं गारंटी दे के बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आज ये क्वेश्चन कुछ आप लोग के लिए लाया हूँ और क्वेश्चन ये जो है, और एक बात बोल देता हूँ भाई, जो फिजिकल की बात बोलता हूँ, फिजिकल की बोलते हैं कई सेंटरों में क्या है कि इस सेंटर में वो है, इस सेंटर में ये, नोएडा में ये हो रहा है, मुजफ्फरपुर जिस में, अरे भाई मैं कितना बार बोल दिया हूँ, जिस भाई का 170 सेमी हाइट, 80 सेमी चेस्ट और 85 सेमी ये है, 85 सेमी आप लोग को चेस्ट एक्सपेंड करो, तो आप लोग को फेल कौन करेगा, कोई भी फेल नहीं करेगा। यार 1600 मीटर 10 मिनट, यार इतना टाइम, इतना इजी रनिंग कहीं भी नहीं मिले दोस्तों, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। यदि 1600 मीटर वो बंदा 10 मिनट में नहीं मार सकता तो वो ज़िंदगी में किसी फिजिकल में पास नहीं हो सकता, मैं गारंटी देकर बोल देता हूँ, ठीक है। तो बाकी रह जाता है जो रिटर्न का पेपर होता है, बहुत टफ रहेगा, और ट्रेड का जो है, ट्रेड क्या है कैसा है आप लोग को उस चीज़ को जानकारी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और कई भाइयों ने कमेंट भी दिए हैं, सर हमारा जो इसका कोई स्पेशल बुक मिलता है क्या, भाई इसका कोई स्पेशल बुक है नहीं, जो भी बुक दिखा रहा है वो सब स्पैम बुक है, बिल्कुल ट्रेड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं बोलो, ठीक है दोस्तों। और कई भाई मैंने कमेंट दिए इसका प्रमोशन, दोस्तों इसका तो प्रमोशन नहीं होता है, पर आप लोग को ट्रेड चेंज कर सकते हैं, इसके से आप जाके ड्राइवर से जा सकते हैं और नहीं तो क्लर्क में जा सकते हैं। तो कई भाई ने मुझे भी ये भी कमेंट दिए थे, सारे इसमें से कहीं कोबरा वगैरह अटैच जा सकते हैं, जी हाँ दोस्तों कोबरा हो सारे चीज़ में आप जा सकते हो। तो दोस्तों आपकी सारे सवालों का मैं एक बार और एक वीडियो करके आप लोग का सारे सवालों का जवाब दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ए प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर कलेक्ट वेस्ट पार्टिकल्स, कचरे के छोटे छोटे कण को उठाने के लिए जो प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या कहा जाता है। दोस्तों जो कचरे का जो वेस्ट पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण, तो कौन सी उठाने के लिए, तो झाड़ू जो होता है वो स्वीप करने के लिए, ब्रूम, डस्ट पैन, एक बाल्टी होता है, डिटर्जेंट। दोस्तों बाल्टी में कचरा उठा नहीं जा सकता है, फिर भी इतना आसान नहीं रहेगा, डिटर्जेंट जो सफाई के लिए होता है, डस्ट पैन। दोस्तों आप लोग देखे होंगे डस्ट पैन जो होता है, एक प्लास्टिक का एक हाथ में पकड़ के हम कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है डस्ट पैन, जो घर में आप लोग कई बार दिखा होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, दो सारे के सारे जितना क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ 2013 का ट्रेड क्वेश्चन में आया था, ठीक है दोस्तों, ये जो है 2013 का ट्रेड क्वेश्चन में आया था, तो इस चीज को बढ़िया से ध्यान दे दीजिए। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोग ये बताना चाहता हूं, ये मेरे क्वेश्चन को दोस्तों मतलब इसी क्वेश्चन को कॉपी करके कई यूट्यूब चैनलों ने आप लोग को दिखा रहे दोस्तों, वो बोल रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों
मेरे क्वेश्चन को दिखा रहे हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बोल दे भाई डिपार्टमेंट का बंदा के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आप पूछ लो डिपार्टमेंट के बंदा के अलावा कोई भाई आपका सीआरपीएफ में होगा तो पूछ लीजिए भाई डिपार्टमेंट के बंदा के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता है ये सारे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, व्हिच ग्लोव्स आर बीइंग बिलोंग टू डिस्पोजेबल ग्लोव्स। इसमें से कौन सी ग्लोव्स जो है डिस्पोजेबल है, एक मेडिकल ग्लोव्स, ड्राइविंग ग्लोव्स, बॉक्सिंग ग्लोव्स और क्रिकेट ग्लोव्स। दोस्तों जो डिस्पोजेबल आप समझ लो, डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है, यूज एंड थ्रो, मतलब इस्तेमाल करो उसके बाद आप लोग को फेंक दो। तो दोस्तों इसमें से ड्राइविंग ग्लोव्स, बॉक्सिंग ग्लोव्स, जो क्रिकेट ग्लोव्स है मतलब इसको यूज एंड थ्रो नहीं होता है दोस्तों, इसके यूज करना पड़ता है बार बार, सेकेंड टाइम हम यूज कर सकते हैं इसको साफ करके, ड्राइविंग ग्लोव्स, बॉक्सिंग ग्लोव्स, क्रिकेट ग्लोव्स को ये जो है इसको साफ करके फिर से हम यूज कर सकते हैं, पर मेडिकल ग्लोव्स जो होता है उसके यूज करके थ्रो करना पड़ता है जो रबर की होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज सिचुएटेड हेडक्वार्टर ऑफ नासा, नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है। दोस्तों नासा जो है अपना एरोनॉटिकल जो एरोस्पेस रिसर्च का जो अमेरिका का में है, जो उसका हेडक्वार्टर कहां है, चिकागो, लंदन, वाशिंगटन, जेनेवा। दोस्तों इसका जो आंसर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में ही नासा का जो हेडक्वार्टर है, तो इसका आंसर है सी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच मेडिकल जनरेटेड वेस्ट इज नॉट इन्फेक्शियस। इसमें से कौन सी मेडिकल जो अपव्यय संक्रमित नहीं होता है, एक है लैबोरेटरी ब्लड, परीक्षागार में जो खून, एक्सपायर्ड ड्रग्स, एक्सपायर्ड दवाइयां, यूज्ड बैंडेज, इस्तेमाल किया हुआ बैंडेज, ओटी स्काल्पेल, ओटी में इस्तेमाल हुआ छुरी। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा संक्रमित, दोस्तों एक्सपायर्ड ड्रग्स, दोस्तों जो ड्रग्स जो दवाइयां होता है जो एक्सपायर हो जाता है उसको इस्तेमाल ही नहीं होता है, और उसमें जो संक्रमित होना बहुत बहुत ही कम चांस होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है बी, एक्सपायर्ड ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 2013 में नहीं 2015-16 में जो पैरामेडिकल का एग्जाम हुआ था इसमें भी इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसे क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग को बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ऐसे ही आप लोग को सारे क्वेश्चन आप लोग को आराम से मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, 2011 में भी आया था और 2013 में भी इसका क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द अब्रेविएशन ऑफ MBBS, MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है। एक ऑप्शन है मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन साइंस, बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर इन सर्जरी, मास्टर इन बी एंड बिहेवियर साइड, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है डी, बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी। दोस्तों आप लोग का जो डॉक्टरों का डिग्री होता है MBBS तो यही होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए इस बातों को। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैस कंटेन इन फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें से आग बुझाने के यंत्र कौन सी गैस रहता है। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है आर्गन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग बुझाने के लिए काम आता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो दोस्तों चलिए आज ये क्वेश्चन इतना ही। मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ आप लोग के लिए, हर रोज एक वीडियो पोस्ट करने के लिए आप लोग के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों अभी हम लोग का रिटर्न का जो क्वेश्चन डाला था वो क्वेश्चन हो गया है पूरा। अभी मैं कुछ दिनों के बाद आप लोग के लिए ट्रेड में कैसे झाड़ू लगाना है, क्या क्या कैसे रहेगा, आप लोगों को पूरा क्लियर कट में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं खुद में आप लोग के लिए प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग समझ जाओगे ट्रेड में कैसे झाड़ू मारना है, सफाई कैसे करना है, तो आप लोग को फेल भी नहीं होगा ट्रेड में। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लड़के डिस्क्वालीफाई होंगे रिटर्न में और ट्रेड में। रिटर्न में 90+ आप लोग को मार्क रखना पड़ेगा और ट्रेड में आप लोग को पास होना पड़ेगा, तब जाके आप मेरिट में नाम आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका मेडिकल बिल्कुल मेडिकल में जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें कोई भी आप लोग को गुंजाइश नहीं दिया जाएगा, जैसे GD का और बाकी में मेडिकल टेस्ट होता है वैसे ही मेडिकल आप लोग का टेस्ट होगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा। दोस्तों यदि आप लोग हमको टेलीग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम में लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जिस भाई ने यदि ज़्यादा जानकारी के लिए और पढ़ाई फौज की पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं, तो आप लोग ये बोलना चाहता हूँ यूथ आइकन कैरियर एकेडमी जो उड़ीसा की खुर्दा डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर से है, तो आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं। पर मंथली 6 महीने का कोर्स है 1500 रुपया, यदि आप लोग पूरा एक ही साथ में देना चाहते हैं तो 10,000 रुपया है, तो यदि चाहें तो आप लोग। ठीक है दोस्तों,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।